वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं आप सबकी प्यारी नीति तिहारी। आज हम अपने इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं कॉमेडी वीडियो पर। तो हम आप सबके लिए लेके आए हैं हर्ष राजपूत का न्यू वीडियो। तो ये वीडियो का टॉपिक का नाम है यूपीएससी की तैयारी। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम वीडियो नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क सिर्फ धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अभी हम आए हैं दिल्ली का जो एरिया है, मुखर्जी नगर एरिया है, जहाँ पे जिसको आईएएस बनाने की फैक्ट्री के भी नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे छोटे शहरों से लोग आके आईएएस बनने की तैयारी करते हैं और अपने सपने को सच्चाई में बदलते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं ताकि ग्राउंड लेवल से आपको रिपोर्ट दिखा सके कि जो स्टूडेंट है किस तरह की तैयारी उनकी चल रही है और उनके साथ क्या है। तो हम उनसे लाइव बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो तैयारी है किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति इनसे बात करते हैं। हेलो, हम थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं आपसे। बढ़िया किया मास्क लगा लिया आपने। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र लाठी। राजेंद्र लाठी जी, राजेंद्र जी यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया दोस्त आपको तैयारी करते हुए? 4 साल लगभग। करीब 4 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए। हाँ, तो हमें ये बताइए कि जो 4 साल है, आपका तजुर्बा भी यहाँ पे बहुत है, तो 4 साल में आपका तो नहीं हुआ लेकिन किसी आपके किसी दोस्त या फ्रेंड है जिनका जॉब हो गया? हाँ, काफ़ियों का हुआ है, जैसे कि हमारी गर्लफ्रेंड है उनका भी हुआ है। अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड का भी हो गया। तो जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड का हुआ तो कोचिंग वगैरह सब? हाँ, मतलब साथ ही जाया करते थे कोचिंग वगैरह, ये सब साथ में जाते थे। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि जैसे गर्लफ्रेंड का हो गया और आपका नहीं हुआ, तो वो कुछ इनपुट भी तो आपको दे सकती है जिससे आप अपनी तैयारी, तो ऐसा कुछ इनपुट देती है वो, आपकी मदद करती हैं? अब हमारी बात ही नहीं होती। नौकरी हो गया तो बातें नहीं होता है शायद। तो इसका मतलब आपका काट के चली, बेसिकली इनका जो है काट के वो चली गई है जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, वो इन्होंने फीस भी हम ही दिए थे, फीस भी कोचिंग का आप ही दिए थे। तो इसका मतलब राजेंद्र लाठी का काट के ही नहीं गई है, राजेंद्र लाठी की लाठी भी करके गई है वो। हम यही कहेंगे दोस्त, हम हमेशा यही कहते हैं कि फोकस ऑन योर गोल, यू विल गेट मैनी होल। ठीक है, गोल उल पर फोकस करो जी, सब बेकार है। तुम्हारा कोचिंग का फीस हो गया, अब छोड़ हुए होकर चली गई ना, जाओ पढ़ो, पढ़िए जाइए। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, कहाँ बताएं, साला गोल पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है, खाली होल पे ध्यान है तो उन्हीं के, तो इसे नौकरी होता है जी पढ़ाई। अच्छा, अभी हमने सोचा कि अभी जाके हम लोग ग्राउंड लेवल पे देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से तैयारी करते हैं। तो ये हम ग्राउंड लेवल पे अभी आपको चल के स्टूडेंट के कमरों में दिखाएंगे, चलते हैं आपको एकदम ग्राउंड लेवल पे दिखाएंगे कि क्या जो यहाँ के स्टूडेंट रहते हैं किस तरह से तैयारी करते हैं, करते हैं कि लड़चट्टी करते हैं, क्या करते हैं। चलिए हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए धाकड़ न्यूज़, देखते रहिए धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ गए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर एरिया में, जो कि यूपीएससी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो मध्यम वर्गीय परिवार है भारत का, उन छोटे छोटे जगहों से लोग आके अपने सपनों को साकार करते हैं इन्हीं छोटे छोटे कमरों में। तो आइए हमारे साथ, ये जो जगह ये देखिए, इतना छोटा कमरा है, इसी में लोग संघर्ष के साथ रहते हैं और अपने सपनों को रियलिटी में। ये कौन संघर्ष है बहनचोद, ये देखो सो रहा है तब से। हेलो भाई साहब, अरे उठ साला उठ, काम ये तैयारी यहाँ कर आए हो ना, यूपीएससी का एस्पिरेंट है आप? हाँ। तो ये बताइए कि मतलब सो रहे हो यार, ऐसे तैयारी होता? अच्छा, रात भर पढ़ाई किए थे क्या, जग के कि दिन में सोते हो? कल संडे था तो वेब सीरीज देखे बस। अच्छा, वेब सीरीज देख रहे थे संडे था, तो इनका एंटरटेनमेंट का यही है कि जो कल शुक्रवार था यार, तुमको साला दिन भी नहीं पता, तुम लाड़ यूपीएससी करोगे यार? कल शुक्रवार था। नहीं नहीं, लौड़ा सोमवार था। गजब हाल है यार, थोड़ा सा मतलब तैयारी करो यार, इतना तो ध्यान रखो भाई। अच्छा ये बताओ कि कितने लोग रहते हो यहाँ पे? 4 लोग हैं हम। 4 लोग, भाड़ा कितना देते हो? 12,000। 12,000 यानी 3,000 रुपया है ना पर हेड। तो साला कुछ पढ़ लिया करो, इस तरह के यूपीएससी एस्पिरेंट है जिनको दिन भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है, क्या करेंगे, किस तरह से इनका रिजल्ट होगा, ये तो भगवान है मालिक है। साल पता है ना कि 2022 चल रहा है, वह कह दो कि 1969 में हमने ये, बाकी के रूममेट इधर है जी जी, इनके देखिए बाकी के रूममेट इधर है, ये इनसे भी बात करेंगे। देखिए किताब खुला है लेकिन फोन चल रहा है,
इनके पिताजी भी, देखिए इनके पिताजी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे कि आप लग रहा है अब सीनियर भी हैं सबसे, पिताजी भी हैं, तो हमें ये बताइए कि इन लोग को ये कहते नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई करो? जी बहुत समझाता हूँ कि पढ़ें, लेकिन पढ़ते ही नहीं हैं। पढ़ाई नहीं करते जी। तो बेटा कौन है आपका, ये है कि वो? बेटा नहीं है कोई, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। आप खुद एस्पिरेंट है, खुद तैयारी करते हैं जी? जी। कब से कर रहे हैं तैयारी? 12 साल हो गए। 12 साल से जी। पर इतना में तो एक बच्चा पैदा करके उसको यूपीएससी करवा के आईएएस बनवा देते। देखिए इस तरह के भी लोग हैं, उम्र जाने के बाद भी अपना पूरा तरीके से लगे हुए हैं। इनको देख के भी हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि उम्र कुछ भी हो, यदि आदमी चाहे तो कभी भी गांड फाड़ सकता है। इनका जो है कि इनका मोटिवेशन देख के मुझे भी जोश आ गया है। 12 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी लगे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार का क्या सीन है? इस बार निकाल देंगे पक्का, इस बार निकाल दीजिएगा पक्का। ये देखिए मोटिवेशन देखिए, उम्र आगे नहीं आ रही है। इस तरह का जो मोटिवेशन अगर रहे किसी में तो कुछ भी आदमी कर सकता है ना। तो इस बार ये निकाल रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा ये सब्जेक्ट क्या है? यूपीएससी में सब्जेक्ट कुछ होता है ना, लेते हैं, क्या सब्जेक्ट है? मेरा ज्योग्राफी है जी। ज्योग्राफी, देखिए इनका ज्योग्राफी सब अच्छा। तभी इधर देखिए मैप वैप लगा रखा है इतना है। ये मैप इन्होंने यहाँ पे दीवार के रंग से ज़्यादा आपको यहाँ पे मैप दिखेगा, ताकि ये जो जगह है ये सब। अरे ये है तुम्हारा मैपिंग है? इन्हें यूपीएससी निकाला था काजी? एक आदमी को तुम पहचानते हैं लेकिन ये सब किए है? ये मियां खलीफा है, ये सनी लियोन है, ये डैनी डैनियल्स है। अच्छा ये सब पता है तुमको? अगर 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 पूछ देंगे कि ई बहन जो कौन सा देश है तो गांड लियन मुंह बना दोगे? हद है। लेकिन पोस्टर बढ़िया है जी, बरमुंडापुर कुमार ये सब पोस्टर वो हमने फाड़ उड़ के ले चलेंगे घर, मस्त है, काम आएगा। तो इस तरह की जो चीज़ है ये देखिए, मिशन यूपीएससी 2022 होगा, लैंड होगा इस तरह से यूपीएससी। यही पोस्टर लगाए होंगे, हमको पता है, पोर्नो रखे होंगे फ़ोन में। मर्द पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिए, मैं आपके नीचे ही सब लगा के मर्द बैठे हैं, गजब हाल है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेकिन एक एक चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है। इनसे बात किया, इनसे बात किया, लेकिन ये कमरा देखिए तब से बंद है। इन लोग चार लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये देखिए इतना हम मैं तेज बोल रहा हूँ फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो बंदा कमरा बंद करके अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए, अब इसका नहीं होगा तो किसका होगा, आप बताइए हैं? तो इस मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि जो एस्पिरेंट देख रहे हैं इस धाकड़ न्यूज के ताजा तरीन एपिसोड को, उन्हें पता चल जाए कि बहनचोद तैयारी होती कैसे है। हा? इस तरह से कीजिएगा, इधर बैठ के गांड फाड़ के सूतल है, उधर पोस्टर मार के बैठे तो लाड़ होगा जी। इनसे थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, लेकिन जरूरी है कि आप लोगों को दिखाएं। है जी, ये देखिए इनका चेहरा ही देखिए, चेहरे पर ऐसी चमक देखिए, है ये चमक ही बता रही है कि ये पढ़ाई में लगे हुए हैं। होनहार विद्वान के होत चिकना चेहरा, जो भी है। हमें बताइए कि हम तब से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है, आपको देख रहा है इतनी देर से लगातार आपने कमरा बंद करके पढ़ाई जारी रखी, कहाँ से मोटिवेशन है, कहाँ से? भैया बस इस पर निकाल लेंगे। अरे इसका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा जी? ये देखो तो हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह का रूटीन है आपका, थोड़ा सा पढ़ाई में ना? क्या बाद में? अरे नहीं ना, थोड़ा सा किताब उताब दिखाइए जो है आपका यहाँ पे। अरे भाई चोद, ये है तुम्हारा तैयारी? नोट्स बना रहे थे साथ में। नोट्स बना रहे थे? ये देखो साला इंटरनेशनल माल ला के बैठा है, नोट्स बना रहे हैं। एक किताब नहीं है भाई चोद इस कमरे में, कहाँ से नोट्स बना रहे हो? ये है तुम्हारा नोट्स? ये है नोट्स तुम्हारा? इनविजिबल है जी, बढ़िया पतला वाला का, ठीक है। तो साला ये तुम लोग तैयारी, यही यही तैयारी है, इतना कमरा लेके रह रहे हो? और नाइस नाइस, थोड़ा सा तो यार ये सब का हम बोले। हेलो 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 हेलो, द द वे बर्थ, यू कम दिस वर्ल्ड, यू कम वेयर? व्हाट यू दिस वर्ल्ड यू, क्या बोलते हैं बच्चों, अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था। दिस योर बर्थ, योर बर्थ वेयर? रशिया। रशियन मान लाया है बच्चों, हद है। नोट्स बना रहे थे? हाँ
फिर कहा हम बताए यार, इस तरह से तैयारी करता है तुम लोग? हेलो, अरे साइड वाला जमीनवा था ना जी, हाँ उसको बेच दो बहनचो, पैसा भेजो, हम अब दिल्ली में तैयारी करेंगे। हाँ ठीक ठीक, अरे पैसा भेजो बहनचो। पूछ रहा है कहाँ बेच रहा है, अरे कितना रेंट का है जी? कितना? 12,000 रेंट है, मतलब 3-3 देते हो। चलो हमको भी रखो रूममेट, हम भी तैयारी करेंगे, हम लोग भी नोट्स बनाएंगे, ठीक है? एक बेड डालो बहनचो, नहीं इसी यही बेड है हमारा, यही रहेगा, हम भी अब करेंगे तैयारी, वी विल मेक नोट्स, यू नो आई एम धर्मेंद्र धाकड़, द वर्ल्ड्स बेंच, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूज नेटवर्क आई ऑन, यू नो, या एंड कैमरा बंद करो जी, हम सब थोड़ा सा तैयारी वारी का बात करते हैं, कैसे नोट्स, वी विल मेक वेरी ब्यूटीफुल नोट्स, यू नो, या रिपोर्टिंग छोड़ो बहन चो, ये सब कुछ है, हमारा पता नहीं था कि ऐसा चीज़ है, बंद करो कैमरा बहन चो, बंद करो, चलते हैं, वी विल मेक सम बिग, गुड, कुछ हम करेंगे, लेकिन करेंगे तो। वाओ, ये सब वीडियो तारे इतना ज्यादा फनी था, मैं क्या बताऊं, पहली बार इस टाइप का वीडियो देखने को मिला है यूपीएससी की तैयारी में, जो वो कम चाहते हैं और इतना ज्यादा फनी दिखाता है, मैं क्या बताऊं, वो जो जब रूम में जाते हैं और मैप के पीछे वो सब फोटो रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हंसी आता है, ये फिर नोट्स बनाने के चक्कर में उसके रूम में जाते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर ये बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, जब जाते हैं तो देखते हैं लड़की को, इनका इंस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा, ये वीडियो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ज्यादा मजा आया देख के, मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना ज्यादा फनी कॉमेडी होगा ये वीडियो में, तो यूपीएससी की तैयारी का जो टॉपिक था मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ज्यादा मजा आया ये वीडियो देख के, और हर्ष राजपूत की हर एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और बहुत ही ज्यादा मजा आता है देख के, तो मुझे ये वीडियो देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पर चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।